हेलो दोस्तों, लकी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और उसी की श्रृंखला में चल रहा था अपन का टॉपिक महाराणा सांगा, और इसका अपन अलग से अपन विस्तृत वर्णन करेंगे। तो आज का टॉपिक है महाराणा सांगा। तो महाराणा संग्राम सिंह जी का जो कार्यकाल है वो कहां से कहां तक था? तो इनका कार्यकाल रहा था 1509 से लगाकर 1528 तक का इनका कार्यकाल रहा था। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म कब हुआ था? 12 अप्रैल 1782 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो राजतिलक है, राजतिलक कब हुआ था? तो इनका जो राजतिलक 15 मई 1509 को हुआ था। 15 मई 1509 को हुआ था इनका राजतिलक। इनके पिता पिता कौन थे? रायमल जी। इनके दादा कौन थे? तो इनके दादा कौन थे? कुंभा थे। इनको इनकी दो प्रसिद्ध उपाधियां हैं। उपाधियां कौन कौन सी है? तो उपाधियां में इनको कहा गया है, एक तो कहा गया है हिंदू हिंदू पथ कहा गया है। क्या कहा गया है? हिंदू पथ क्यों कहा गया है? क्योंकि खांडवा का युद्ध होता है और उस समय इन्होंने सारे राजपूतों का नेतृत्व किया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? हिंदू पथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था सारे राजपूतों का। इनका राजपूत नरेशों का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। उसके बाद में एक और इनकी उपाधि है कि सैनिकों का भग्नावेश, सैनिकों का भग्नावेश। ये जो उपाधि दी थी ये किसने दी थी? टॉड ने, जेम्स टॉड। किसने? जेम्स टॉड ने। इनको क्या कहा था? सैनिकों का भग्नावेश कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इनके शरीर पर 80 घाव थे। कितने घाव थे? 80 घाव थे। और हर जगह पे, अंग अंग पे इनके जो घाव थे, इसके कारण इनको क्या कहा जाता था? सैनिक का भग्नावेश कहा जाता था। अब बात करें रायमल जी की, तो रायमल जी के पुत्र थे, एक तो थे पृथ्वीराज, एक थे जयमल, एक थे जयदेव, एक थे सांगा। तो क्या होता है उस समय, पृथ्वीराज जिनको उन्ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था, और क्या होता है कि एक छारनी आती है, एक पुजारिन जो छारनी होती है, छारनी छारनी वो क्या करती है? पुजारिन होती है। कहाँ की होती है? भीमल गांव की। वह क्या करती है? भविष्यवाणी करती है। क्या करती है? भविष्यवाणी। क्या बोलती है कि अगला नरेश कौन बनेगा? सांगा बनेगा। तो फिर ये जो पृथ्वीराज और जो जयमल है इनके ऊपर क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। तो इनका जो एक हाथ कट जाता है, एक हाथ कट जाता है। फिर वो अपनी रक्षा करने के लिए कहाँ पे भागते हैं? तो वो भागते हैं सेवंत्री, भागते हैं कहाँ पे? सेवंत्री। तो सांगा कहाँ पे भागते हैं? सेवंत्री। सेवंत्री कहाँ आया हुआ है? ये चार भुजा के पास में सेवंत्री आया हुआ है। और वहां पे कहाँ पे चरण लेते हैं? तो रूप नारायण जी के मंदिर में, रूप नारायण जी के मंदिर में वो क्या लेते हैं? चरण लेते हैं।
और उस समय वहां के जो शासक है वो कौन थे? मारवाड़, मारवाड़ के बिदा राय मल्होत्र, बिदा राय मल्होत्र जो होते हैं वहां के शासक होते हैं, वह इनकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और एक दोहा है उनके बारे में, कहा गया था कि जैतमल दल झुंझियो करवाला कटे सांगो भोगे चित्रकूट से विदा सटे। तो यानी उस समय ये कहा गया था कि जैतमल इनकी रक्षा करते हुए मारा गया था, मारा गया था। और उसी की पुण्य प्रताप से जो अगला सम्राट मेवाड़ का सांगा बना था, जैतमल नहीं होता उस समय, जैतमल ये बिदा रायमलोद नहीं होता तो हो सकता था कि मेवाड़ का इतिहास कुछ और हो सकता था। फिर यहां से क्या कर दिया जाता है? अब सांगा कहाँ बैठा है? सेवंत्री में। तो सेवंत्री से उसको कहाँ पे लेके जाते हैं? एक सारंग देव होते हैं। कौन होते हैं? सारंग देव। सारंग देव उसको कहाँ पे भेजते हैं? उसको भेजते हैं अजमेर। अजमेर कहाँ पे? श्रीनगर। कहाँ पे भेजते हैं? श्रीनगर, एक गांव है अजमेर, वहां पे इनको भेजते हैं। किनके द्वारा? सारंग देव के द्वारा। वहां पर किनके यहाँ पे? तो करमचंद पवार, करमचंद पवार के यहाँ पे भेजा जाता है। और वहीं पे इनका लालन पालन होता है और ये बड़े होते हैं, इसलिए इनको सारंग देव को क्या कहा जाता है? अज्ञातवास का आचार्य दाता बोलते हैं, आचार्य दाता कहा जाता है। तो ये इसके बारे में डिटेल थी, इसके बारे में। इनका जो जन्म है 12 अप्रैल 1482 को हुआ, राज तिलक 15 मई 1509 को हुआ। पिता रायमल थे, दादा कुंभाजी थे। हिंदू पथ कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? राजपूतों का नेतृत्व किया था। सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? 80 घाव ते शरीर पे। किसने कहा था? जेम्स टोड ने कहा था। रायमल जी के 4 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल, जयदेव, सांगा। फिर बाद में एक घटना होती है, चारणी पुजारी कहाँ की थी? भीमल कहाँ की थी? भविष्यवाणी करती है कि सांगा राजा बनेगा। तो फिर पृथ्वीराज और जयमल ये जो भाई होते हैं वो अटैक करते हैं और उनका एक हाथ कट जाता है। वो फिर कहाँ पे भागते हैं? सेवंत्री भागते हैं। कहाँ पे रुकते हैं? रूपनारायण जी के मंदिर में रुकते हैं। और वहां पे इनकी हेल्प कौन करता है? तो मारवाड़ का बिदा राय मल्होत्र, जो कि इनकी क्या है? उपशाखा है। क्या है? उपशाखा है। और वहां पे बिदा बहुत ही पराक्रम दिखाते हुए मारा जाता है। फिर वहां से उनको कहाँ पे भेजा जाता है? तो सारंगदेव उसकी हेल्प करता है। कहाँ पे भेजते हैं उनको? श्रीनगर भेजते हैं। श्रीनगर कहाँ पे आया हुआ? अजमेर में आया हुआ है। किनके यहाँ पे? कर्मचंद पवार के यहाँ पे। वही उनका लालन पालन करते हैं और अज्ञातवास में सहायता करते हैं, इसलिए इसको अज्ञातवास उसका आचार्य दाता कहा जाता है। तो ये तो ये पूरा अपन का हो जाता है। अब अपन बात करें अगले चरण की। तो अगले चरण में क्या होता है? तो अगले चरण में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो अगले चरण की बात करें तो एक युद्ध लड़ा जाता है 1517 को। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। 1517 खातोली, खातोली, खातोली का युद्ध होता है। क्या होता है? खातोली का युद्ध कब होता है? यह होता है 1517 को। 1517 को किसका युद्ध होता है? खातोली का युद्ध होता है। इस युद्ध में उस समय जो भारत है, उस समय जैसे कि ये जो भारत है, भारत है, मान लीजिएगा ये भारत है। इस भारत पे किसका आधिपत्य था? इब्राहिम लोदी का था। किसका था? उस समय कौन थे? इब्राहिम लोदी, यानी सिकंदर, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद में कौन बने थे? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी
का पंगा किसके साथ में हो जाता है? सांगा के साथ में, क्योंकि अब सांगा सांगा अपने राज्य का क्या कर रहा था? विस्तार कर रहा था। जो वो इब्राहिम लोदी को क्या हो रहा था? खटक रहा था, इब्राहिम लोदी को खटक रहा था। तो इनके मध्य क्या होता है? खातोली का युद्ध। और इसमें इब्राहिम लोदी को वो क्या करता है? परास्त करता है। क्या करता है? परास्त करता है, परास्त करता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन, तो एक और युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ में। इब्राहिम लोदी के साथ में एक और युद्ध होता है, वो कौन सा युद्ध है? तो वह है बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी कहाँ आया हुआ है? धौलपुर में आया हुआ है, धौलपुर में। कब होता है? कब होता है? 1528 में, नहीं 1518 में होता है। कब होता है? 1518 में ये बाड़ी का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि इब्राहिम लोदी की तरफ से दो भेजे जाते हैं व्यक्ति। एक तो होता है मियाँ माखन, मियाँ माखन, और एक होता है मियाँ हुसैन, हुसैन। इन दोनों को सांगा क्या करा देता है? वापस परास्त कर देता है। इनको भी क्या कर देता है? पराजित कर देता है, पराजित कर देता है। और अपने अपने राज्य की सीमा, अपने राज्य की सीमा, अपने राज्य की सीमा का क्या कर देता है? निर्धारण कर लेता है, निर्धारण कर लेता है। किस युद्ध के बाद में? बाड़ी के युद्ध के बाद में। अब बाड़ी के युद्ध के बाद में क्या होता है? तो एक 1519 में, देखो 17 में कौन सा हुआ? खातोली का। 18 में कौन सा हुआ? पाड़ी का। और 19 में कहाँ का होगा? तो 19 में होगा घाघरौंद का। कहाँ का? घाघरौंद। घाघरौंद कहाँ आया हुआ है? अब झालावाड़ में। तो झालावाड़ में आया हुआ है, काली सिंध व आहू नदी के किनारे बसा हुआ है ये। तो उनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो मान लीजिएगा, जैसे कि ये अपन मान लेते हैं ये मेवाड़ है। क्या है? मेवाड़ है। उनके नीचे क्या होगा? ये गुजरात है। क्या है? गुजरात है, ये गुजरात प्रदेश है। उसके बाद में मान लीजिएगा कि यहाँ पे ये क्या है? मालवा है, ये मालवा है। यहाँ पे ये गागरौन है, गागरौन है। यहाँ पे गुजरात है। अब देखना, यहाँ पे यहाँ का शासक कौन था? यहाँ सांगा था। कौन था? सांगा। अब यहाँ पे पहले कौन था? पहले यहाँ का जो शासक है वह नासिरुद्दीन था, नासिरुद्दीन था, नासिरुद्दीन खिलजी था, नासिरुद्दीन खिलजी। उसके बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में कौन बना? तो महमूद खिलजी बना, महमूद खिलजी बना। यहाँ पे गुजरात में, गुजरात में कौन थे? तो यहाँ पे पहले महमूद शाह थे। कौन थे? महमूद शाह। फिर उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में कौन बने? तो यहाँ पे फिर बने थे जो मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर, मुजफ्फर शाह बने थे, मुजफ्फर शाह। और मुजफ्फर के बाद में इनके बेटे ने, इनके बेटे कौन कौन थे? तो एक तो थे सिकंदर शाह, सिकंदर शाह, और एक था उसका नाम है बहादुर शाह, बहादुर शाह। तो ये देखो, उस समय पूरा का पूरा जो मेवाड़ है दुश्मनों से घिरा हुआ था, दुश्मनों से घिरा हुआ था, ऐसी कंडीशन थी। तो उस समय कहा गया था कि इब्राहिम, इब्राहिम यानी पूरे देश पे किसका अधिकार था? देश पे किसका अधिकार था? इब्राहिम का, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी का अधिकार था देश पे। तो उस समय कहा गया था कि इब्राहिम पूर्व दिशान उल्टे, इब्राहिम पूर्व दिशान उल्टे पश्चिम, पश्चिम, पश्चिम में कौन था? ये मुजफ्फर। तो पश्चिम मुजफ्फर न दे पाया,
और दक्षिण दक्षिण ये वाला दक्षिण भाग, दक्षिण में कौन था? महमूद खिलजी। तो दक्षिण महमूद सान दौड़ सांगो सांगो दामन तांदु सुल्तान। तो ये उस समय कहा गया था, उस समय कहा गया था कि उस समय ये इन राजाओं राजाओं से ये शासकों से घिरा हुआ था, लेकिन ये जो सांगा है वापस अपने राज्य को क्या करता है, दुश्मनों से घिरा रहता है, लेकिन इस राज्य को वापस क्या करता है, एक सबल राज्य के रूप में कन्वर्ट करता है। सबल राज्य यानी शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरता है। और ये जो भी इनके जो दुश्मन है, महमूद खिलजी है या फिर जो मुजफ्फर शाह है या फिर इब्राहिम लोदी है, इनको इनको आगे बढ़ने से ये क्या करता है, रोकता है। इसी कारण से ये जो कहावत है ये कही गई थी। अब देखो अटैक के बारे में, अटैक कौन सा अटैक आ रहा था, गागरोन वाला, कौन सा, गागरोन वाला। अब गागरोन कहाँ पे, ये यहाँ पे गागरोन। अब गागरोन का युद्ध कब होता है, 1519 को। क्या होता है कि नसीरुद्दीन खिलजी के बाद में मोहम्मद खिलजी बनता है, और मोहम्मद खिलजी कहाँ का शासक था, मालवा का, और मालवा कहाँ आया हुआ है, एमपी। तो ये गागरोन को इसमें मिलाना चाहता था, गागरोन को इसमें मिलाना चाहता था। तो महमूद खिलजी किस पे अटैक करता है, गागरोन पे करता है। किसके ऊपर करता है, गागरोन के ऊपर। तो उस समय उसके पास में एक चंदेरी है, क्या है, चंदेरी। चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, कौन था, मेदिनी राय। वह प्रॉब्लम में पड़ जाता है, तो वह किसको बुलाता है, सांगा को बुलाता है हेल्प के लिए। तो फिर सांगा और मेदिनी राय यानी सांगा और किसकी सेना थी, मेदिनी राय और दूसरी तरफ से किसकी सेना थी, एक तो मोहम्मद खिलजी की और इसका साथ देने के लिए कौन आ जाता है, ये मुजफ्फर शाह आ जाता है। और इनके मध्य क्या होता है, गागरोन का युद्ध कब होता है, 1519 में। लेकिन कौन जीतता है, सांगा जीतता है। सांगा क्या होता है, विजयी होता है। ये तो हो जाता है। और जो गागरोन है वो किसको दे देता है, मेदिनी राय को दे देता है। तो अब गागरोन और चंदेरी पे किसको नियुक्त किया गया, मेदिनी राय को। तो इस तरफ उन्होंने अपना जो सीमा को की सुरक्षा कर ली। उसी तरफ अजमेर है, पर्वतसर है, फुलिया प्रगना है, वह किनको दे दिया, वह दे दिया इनके जो आचार्य दाता थे स्टार्टिंग के, करमचंद पवार, उनको नियुक्त कर लिया। और इसी तरह यहाँ पे गुजरात में देखिएगा कि गुजरात में मैंने बता दिया आपको कि महमूद शाह मूर्ति हो जाती है, कौन बनता है, मुजफ्फर शाह। और मुजफ्फर शाह के बाद में इनके दो बेटे थे, एक तो थे सिकंदर शाह और एक थे बहादुर शाह। अब इनकी मृत्यु के बाद में कौन बनना चाहता था, सिकंदर शाह बनना चाहता था। लेकिन जो ये बहादुर शाह है वह किसके पास में आ जाता है, सांगा के पास में आ जाता है। और ये इसको कह सकते हैं कि ये आस्तीन का सांप था। क्यों, क्योंकि बाद में इसकी वजह से ही जो साका होता है, सेकंड साका होता है 1534 वाला, वो इसकी वजह से ही होता है। यानी इनकी जो मान है, सांगा की मान है, इनको पुत्रवत समझा था, लेकिन बाद में ये अटैक करता है, यानी कर्णावती को जौहर करना पड़ता है। तो ये देखो, ये आस्तीन का सांप था खाके। फिर देखिएगा कि यहाँ पे गुजरात के पास में एक कह सकते हैं एक रियासत है, जिसका नाम क्या है, ईडर। अब ईडर का थोड़ा भाग मेवाड़ से भी लगता था और गुजरात से भी लगता था। तो ईडर पे क्या होता है कि यहाँ पे उत्तराधिकार का प्रश्न छिड़ जाता है। मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, उत्तराधिकार का प्रश्न छिड़ जाता है। और कौन कौन उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, तो उस समय दो थे, एक का नाम था भारमल
और एक का नाम था रायमल, एक का नाम था बारमल। कहाँ की बात कर रहे हैं? ईडर की। एक तो था रायमल और एक था बारमल। अब बारमल 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 की सहायता कौन करते हैं? मोहम्मद, ये मुजफ्फर करता है। कौन करता है? मुजफ्फर करता है। और रायमल की सहायता कौन करता है? सांगा करता है। विजय कौन रहता है? सांगा रहता है। और फिर ये रायमल को यहाँ पे नियुक्त कर देता है और फिर इसको अपना जमाता बना देता है, जमाई बना देता है। इस तरह इस वाला क्षेत्र भी क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। अजमेर वाला भी हो गया और उस समय जो चंदेरी है, रणथंबोर वाला है, वो भी सुरक्षित हो गया। इस तरह उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया था। फिर बात करते हैं एक बड़ा युद्ध हुआ था खानवा का, और खानवा से पहले भी एक युद्ध हुआ था, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। उससे पहले वाला युद्ध हुआ था, यानी एक सूफी संत थे, उन्होंने बाबर को बोला था कि पहले युद्ध में तेरी हार होगी और दूसरे युद्ध में तेरी विजय होगी। तो पहला युद्ध कौन सा होता है? तो पहला युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना जो प्राचीन काल में नील की खेती के लिए विख्यात था, और यहाँ पे एक समुद्रगुप्त द्वारा कीर्ति स्तंभ भी, विजय स्तंभ भी बनाया गया। अब देखिएगा ये बयाना का युद्ध कौन सा? बयाना युद्ध। ये कब होता है? तो इसकी जो डेट है वह है 16 फरवरी 1527 को होता है। यानी उस समय बात करता हूं तो जो भारत पर किसका अधिकार था? अकबर का नहीं, ये बाबर का। किसका अधिकार हो गया था? बाबर का। बाबर यानी बाबर कहाँ से आया? पहले मैं बाबर के बारे में बता देता हूँ। तो बाबर आया था काबुल से, आया था कहाँ से? आया था काबुल से। काबुल का ये वहाँ का क्या था? शासक था। ये जो आप कह सकते हो कि तैमूर लंग के वंशज से था। कौन से वंश से था? तैमूर लंग वंश से ये संबंध रखता था। इनकी जो माँ है ना, वो चंगेज खा वंश से संबंध रखती थी। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता उमर शेख मिर्जा था। क्या था? उमर शेख मिर्जा। इनके पिता श्री का नाम था उमर शेख मिर्जा। तो इनको भारत में किसने बुलाया? तो उस समय इससे पहले किसका राज चल रहा था? इब्राहिम लोदी का। किसका? इब्राहिम लोदी का। और उनके जो चाचा थे, एक तो थे दौलत खा, और उनके एक जो भाई थे दौलत खा और आलम खा, उस पर अटैक करने के लिए बाबर को क्या बुलाते हैं? न्योता देते हैं। और ऊपर से सांगा भी थोड़ा बोल देता है कि मैं भी हेल्प करूँगा। तो ये फिर आ जाता है कहाँ पे? भारत में आ जाता है। फिर इसके साथ किसकी लड़ाई होती है? इब्राहिम लोदी की और बाबर की। कहाँ पे होती है? पानीपत के मैदान में। कब होती है? 1526 को। कौन जीतता है? बाबर जीतता है। फिर इसका वापस जाने का मूड नहीं होता, वापस जाने का इसने अब प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब उसने यहीं पे रहने का विचार कर दिया। तो उसने अपना डेरा कहाँ पे डाला? फतेहपुर सिकरी। कहाँ पे डाला इन्होंने अपना डेरा? फतेहपुर सिकरी में इसने अपना क्या डाला? डेरा डाला। और बयान में किसको भेजता है? मेहंदी ख्वाजा को भेजता है। किसको भेजता है? मेहंदी ख्वाजा को भेजता है। और इधर से कौन आता है? सांगा आता है। इन दोनों के मध्य, इनके मध्य और सांगा के मध्य कौन सा युद्ध होता है? बयाना का युद्ध होता है। कौन सा होता है? बयाना का युद्ध। सांगा क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है।
विजयी हो जाता है। फिर वह अब देखो वो क्या करता है कि सांगा को डायरेक्ट यहां से फतेहपुर सिकरी आना था और बाबर पे क्या करना था, अटैक करना था। लेकिन राणा जी ने क्या ले लिया, लंबा रास्ता ले लिया। कौन सा ले लिया, लंबा रास्ता। यानी सांगा जी गए रुपया आने लगे कहां पे, भूसावर होकर आने लगे और वहां पे एक महीने तक खा पी के रेस्ट किया बढ़िया। तो इनको क्या हुआ कि बाबर को युद्ध की तैयारी करने के लिए समय मिल गया, जो एक इनके हारने का प्रमुख कारण रहा। तो फिर ये यहाँ पे युद्ध कहाँ पे होता है, सांगा और बाबर के बीच में। तो ये यहाँ पे एक खानवा आया हुआ है। क्या आया हुआ है, खानवा का मैदान। खानवा का मैदान कहाँ पे है, तो ये रूपावास जो तहसील है, यानी रूपावास में आया हुआ है। कहाँ पे है ये, भरतपुर में गंभीरी नदी के किनारे ये आया हुआ है। तो वहाँ पे ये इनका युद्ध हो जाता है, दोनों सेनाएं आ जाती है, भयंकर घमासान चलता है। तो इनके बारे में अब पढ़ेंगे। तो ये देखो बयाना का क्लियर हो गया पूरा का पूरा। देखो बाबर को मैंने समझा दिया और फिर बयाना का युद्ध कौन विजय रहा, सांगा रहा। अब अपन पढ़ेंगे कि इनके बाद में खानवा का युद्ध जिसने भारत का इतिहास बदल दिया, जिसने पूरा भारत का जो इतिहास है वह हिला दिया। जो इतने सालों से जो भारत पे राजपूतों का जो शासन था वह समाप्त हो गया। अब कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। खानवा का मैदान कहाँ आया हुआ था, भरतपुर में। भरतपुर की कौन सी तहसील, रूपावास। कौन सी नदी के किनारे, गंभीरी नदी के किनारे। अब देखना यहाँ पे अब क्या होता है कि बात करते अपन खानवा युद्ध का। खानवा युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 17 मार्च। कब हुआ था, 17 मार्च 1527 को यह युद्ध हुआ था। सांगा इनके मध्य, एक तो हमारे क्या थे, सांगा संग्राम सिंह जी, और दूसरी तरफ कौन था, बाबर था। इनके मध्य ये युद्ध होता है। अब सांगा क्या करते हैं तो सांगा यहाँ पे अपने जो राजपूती शासक होते हैं उनको क्या देता है, न्योता देता है युद्ध का कि अपन को एकजुट होके इन मुगलों को यहाँ से खदेड़ना है। तो इसके लिए वह न्योता भेजता है और इस न्योता को क्या बोलता है, पाती पर्वण बोलता है। क्या बोलता है, पाती पर्वण। और सभी राजाओं को एक जगह पे एकत्रित होकर युद्ध लड़ने के लिए कहता है और इसी कारण इसको हिंदू पत्र कहा गया था। क्या कहा गया था, हिंदू पत्र कहा गया था। और इसमें से बहुत सारे राजा इसमें सम्मिलित हुए थे। इसमें से कौन कौन सा था, जैसे कि आमेर के पृथ्वीराज। उसी प्रकार चंदेरी के कौन थे, तो मेदिनी राय। उसी प्रकार बात करें बीकानेर के कौन थे, कल्याणमल। उसके बाद में बात करें जोधपुर, उस समय कौन थे, गंगा ने किसको भेजा, मालदेव को भेजा था। मेड़ता से कौन आए थे, वीरमदेव आए थे। और उनके भाई जो रतन सिंह जी राठौड़ की पुत्री थी मीरा। और मीरा का विवाह किससे हुआ था, भोजराज से। और भोजराज कौन था, सांगा का पुत्र था। तो इस युद्ध में जो रतन सिंह जी
रतन सिंह जी राठौड़ और ये मीरा के जो पति है भोजराज वीरगति को प्राप्त करते हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। मेड़ता, मेड़ता के बाद में अगर बात करें सिरोही की, तो सिरोही से अखेराज था, कौन था? अखेराज देवड़ा, अखेराज देवड़ा, अखेराज देवड़ा। वागड़ से कौन था? तो वागड़ से बात करें तो उदय सिंह था, कौन था? उदय सिंह। फिर बात करें काठियावाड़, 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 तो काठियावाड़ से कौन था? तो काठियावाड़ से अज्जा, कौन था? अज्जा, जाला अज्जा, कौन था? जाला अज्जा। उसी प्रकार गोकुंदा, गोकुंदा से कौन था? तो यहाँ पे जाला सज्जा, कौन था? जाला सज्जा। उसी प्रकार बिजोलिया की बात करें, बिजोलिया, बिजोलिया, बिजोलिया की जागीर हालांकि संगाई नहीं दी थी, किसको दी थी? अशोक परमार को, अशोक परमार को। उसी प्रकार दो मुगल, दो अफगान भी इसमें सम्मिलित है, अफगान शासक, जैसे कि जो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद, महमूद लोदी, वह भी सांगा के पक्ष में था। उसके बाद में एक हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, जो मेवात का यहाँ पे जो शासक था। तो ये सारे के सारे, पृथ्वीराज, मेदिनी राय, कल्याणमल, मालदेव, वीरमदेव, अखेराज, उदय सिंह, जाला अज्जा, सज्जा, अशोक परमार, लोधी, ये महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, ये इनकी तरफ थे। किनकी तरफ से? सांगा की तरफ से। अब देखो बात करते हैं बाबर, ये तो देखो पूरी फौज हो गई अपन की, अब बाबर की बात करते हैं, बाबर की तरफ से कौन कौन था। तो बाबर, ये मान लीजिएगा पूरी फौज तैयार हो गई अपन की, अब बात करते हैं बाबर की, किसकी? बाबर की। तो बाबर, बाबर ने इस समय तुलगामा पद्धति अपनाई थी, कौन सी पद्धति अपनाई थी? तुलगामा पद्धति अपनाई थी। एक तो तुलगामा पद्धति, तुलगामा पद्धति में क्या होता था कि आगे आगे बैलगाड़ियाँ बना दी जाती हैं, यानी एक दीवार बना दी जाती थी। क्या बना दी जाती थी? दीवार। जैसे कि मान लीजिएगा ये बैलगाड़ी, उन्होंने उस समय बैलगाड़ी का यूज़ किया, तो ये जैसे कि बैलगाड़ियाँ, तो ये बैलगाड़ियों का यूज़ किया गया, और इनके बीच में क्या रखी गई? तोहफे रखी गई। क्या रखी गई? तोहफे। इनके मध्य क्या रखी गई? ये तोहफे रखी गई। ये कौन सी पद्धति पद्धति थी? तुलगामा पद्धति, तुलगामा पद्धति, इसको इन्होंने अपनाया था। और बीच में यहाँ पे दो इनके तोपों को जो संचालित करने का जो ठेका दे रखा था, वो किसको दे रखा था? एक तो दे रखा था रूमी खां को, किसको दे रखा था? रूमी खां को। और एक और कौन था? मुस्तफा, मुस्तफा खां, मुस्तफा खां, ये इनके प्रमुख तोपची थे, एक तो रूमी खां और एक मुस्तफा खां, ये इनकी क्या करते हैं? तोपों को संचालित करते हैं। फिर बाबर ने इनमें जोश जगाने के लिए एक तमंगा कर था, कौन सा कर? तमंगा कर, तमंगा कर। और तमंगा कर क्या होता है? तो एक तरह का उस समय एक आयात, आयात कर था, कौन सा कर था? आयात कर, यानी अगर कोई आयात करते थे उस पर टैक्स लगता था, तो इसको इन्होंने तमंगा कर पर मान को छूट दे दी कि आपको तमंगा कर नहीं देना पड़ेगा। तो सीधी ये इनके लिए फायदे वाली बात थी। और फिर उन्होंने एक और जेहाद का नारा दे दिया, क्या दे दिया? जेहाद का नारा दे दिया कि टूट पड़ो, ये अपनी धर्म की रक्षा होगी इससे, तो इन्होंने जेहाद का नारा दे दिया। फिर इन्होंने खुद भी शराब छोड़ दी, और जो शराब पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। शराब पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। और पूरा का पूरा इनका जो ध्यान है, यानी पूरा का पूरा जोश भर दिया इनमें, पूरा का पूरा जोश भर दिया। ये पूरी इनकी सेना थी बाबर की, ये बाबर की इनकी पूरी सेना थी। फिर इनके मध्य घोर युद्ध होता है, क्या होता है? युद्ध होता है। अभी युद्ध में भयंकर युद्ध होता है, और मैंने बता दिया था आपको कि इसमें कौन कौन मारे जाते हैं। तो एक तो रतन सिंह जी मारे जाते हैं, रतन सिंह जी राठौड़, भोजराज, संगा का पुत्र मारा जाता है, और
क्या होता है कि एक तीर अचानक, एक तीर है वह किसके लग जाता है, सांगा के लग जाता है, किसके लग जाता है, सांगा, और सांगा क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो फिर क्या करें, तो सांगा घायल हो गए, तो क्या करते हैं कि मालदेव, मालदेव कौन, मालदेव, मालदेव गंगा के पुत्र मारवाड़ के, वह इनको जो युद्ध क्षेत्र से बाहर लेकर चले जाते हैं, और उनका जो कवच है, जो मुकुट है, वह किसको दे देते हैं, काठियावाड़ के जाला अज्जा को दे दिया। फिर इन्होंने इसको धारण किया मुकुट को, और इनके नेतृत्व में सेना लड़ने लगी, लेकिन क्या हो गया था, जो मनोबल है वह टूट गया था। फिर ये युद्ध समाप्त होता है, इसमें बाबर की विजय होती है, किसकी विजय होती है, बाबर की विजय होती है, और बाबर, बाबर यहाँ पे जो एक कह सकते हो कि सिरों की मीनार बनाता है, सिरों की मीनार बनाता है, सिरों की मीनार बनाता है, और फिर अपने आप को क्या कहता है, गाजी, गाजी की उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि धारण करता है, यानी जो काफिरों का वध करने वाला, गाजी का मतलब क्या होता है, काफिरों का वध करने वाला और अपने धर्म को बढ़ाने वाला। तो ये उपाधि इसने कहाँ से धारण की थी, इस खानवा के मैदान में, कौन सी, गाजी की उपाधि धारण की थी। अब फिर क्या होता है, अब सांगा, सांगा को कहाँ पे लेके जाए, लेके गए, तो अब होता है सांगा के बारे में, मैं सांगा के बारे में बता देता हूँ। अब जो सांगा है उसको लेके गए थे दौसा की साइड, कहाँ पे, दौसा की साइड, दौसा में एक स्थान है बसवा, कौन सा स्थान है, बसवा, बसवा को, बसवा, बसवा लेके गए, बसवा कहाँ आया हुआ है, दौसा, वहाँ पे इनको चेतना आती है, चेतना यानी वापस थोड़ा मुज्जित हुए होते हैं, तो इनको क्या आती है, चेतना आती है, क्या आती है, चेतना आती है, तो वे युद्ध के लिए वापस तैयार हो जाते हैं, युद्ध के लिए वापस क्या हो जाते हैं, तैयार होते हैं, जैसे चेतना आती है तो उनमें वापस युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, और चल पड़ते हैं चंदेरी की तरफ, कहाँ पे चल पड़ते हैं, चंदेरी की तरफ चल पड़ते हैं, वैसे ही चंदेरी, जो सुंदरी है, यहाँ पे भी आक्रमण होता है, किसका आक्रमण होता है, बाबर का, इस समय यहाँ क्या शासक कौन था, मेदिनी राय, मेदिनी राय, किसका अटैक होता है, बाबर का, चेतना आती है जैसे, तो ये कहाँ पे आ जाता है, चंदेरी, हेल्प करने के लिए, हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ जाता है, लेकिन इनके जो सरदार है वह मना बोलते हैं, मना बोलते हैं कि अपन को इसके मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही ताकतवर है, उनके पास में बड़ा तोपखाना है, तो हमारा हारना तो निश्चित है, लेकिन ये नहीं मानता, ये नहीं मानता, युद्ध उन्मुक्त हो जाते हैं, तो फिर चंदेरी में जाते हैं, चंदेरी जाते समय जो बीच में एक स्थान आता है इरिच, क्या आता है, इरिच, यानी एमपी में आया हुआ है, एमपी में आया हुआ, वहाँ पे इसको क्या दे दिया जाता है, सरदारों द्वारा जहर दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, जहर। फिर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं कालपी आता है, कौन सा आता है, कालपी गांव आता है, कालपी गांव, वहाँ पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु होती है उनकी जो 30 जनवरी 1528 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी जो समाधि है, इनकी समाधि या फिर इनका दाह संस्कार कहाँ पे किया जाता है, मांडलगढ़ में इनका हो गया था। फिर इनकी जो समाधि, ये मांडलगढ़ में बन गई थी, और ये समाधि इन्होंने किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी जगनेर, जगनेर यानी बिजोलिया भाई, उनके शासक कौन थे, अशोक परमार ने इनकी वहाँ पे समाधि बनाई थी, सत्री बनाई थी, जिसको 32 खंभों की सत्री कहते हैं, 32 खंभों की छतरी कहते हैं। इस तरह से इनकी मृत्यु हो जाती है, और कहा जाता है कि ये जो हार हुई थी, हार में, हार का कारण
एक तो जो तुलगामा पद्धति रहा, उसके बाद में इनका आक्रमण रहा, ये जो इनको तीर लग जाता है, उसके बाद में दो और थे, एक तो सिलंदी के तवर यानी राय सिंह के सिलंदी तवर होते हैं, कौन सिलंदी तवर, वह इनके साथ में क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं और बबर के साथ में मिलते हैं। एक नागौर के जो शहजादे होते हैं, शहजादे मुस्लिम वह बाबर के साथ में मिल जाते हैं, जिसके कारण सांगा की पराजय होती है। और बात करें तो जेम्स टॉड ने कहा था कि इनके नीचे सात राजा थे। किसे राजा थे? सात राजा, 9 राव और 104 यहाँ के सरदार थे, इनके अधीन थे। इसका मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था। और ये अपनी उदारता के लिए, दानवीरता के कारण भी जाने जाते हैं। इन्होंने एक बार बोला था कि जो भी बमूद खिलजी को पकड़ के लेकर आएगा, मैं उनको अपना सारा साम्राज्य दे दूंगा। तो एक हरिदास लेके आता उनको, तो फिर हरिदास को वो एक बार तो सिंहासन पर बैठाने का बोल देता है, लेकिन फिर बाद में हरिदास मना बोल देता है, फिर उसको 12 गांव दे दिए जाते हैं। तो इस तरह ये बहुत ही वीर प्रतापी राजा हुए थे, जिसका नाम अमर हो गया है। तो ये अपन के बारे में आज का टॉपिक क्लियर होता है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।